नमस्कार। सन 2024 जनवरी मास मीन राशि पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए देनी है क्योंकि मीन राशि के बहुत सारे जातक भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अलग अलग देशों में नेपाल, लंका, मॉरिशस और ये जितने भी देश हैं, पश्चिमी देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और भी देशों से बहुत डिमांड आ रही थी मीन राशि के लिए। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस महीने अब आएगी, इसके कुछ परिणाम अच्छे और कुछ खराब जो आपको सुनने को मिलेंगे, और आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं ये भी आपको सोचना और सुनना चाहिए। नंबर एक, अभी लोहड़ी के बाद कुछ ग्रहों का परिवर्तन 14 जनवरी से ही जनवरी और फरवरी मास में कुछ विशेष होगा। आइए शुरू करते हैं। और आपके ऊपर इतनी अच्छी इसकी दशाएं प्रभाव गोचर होगा तो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा महसूस होगा और अच्छा प्रभाव भी होगा। 14 जनवरी को जब मकर राशि में सूर्य आते हैं तो आपके छठे भाव का स्वामी सूर्य, तो भावात भावम के सिद्धांत पर लघु पराशरी का सिद्धांत कहता है कि छठे से छठा जब सूर्य आता है तो अधिक बलि हो जाता है आपके लाभ स्थान पर। छठे भाव का स्वामी जब बैठेगा तो आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, आपके रोगों का विनाश करेगा, आपके शत्रुओं का विनाश करेगा। और उधर मीन राशि पर राहु चल ही रहा है, आप बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से किसी भी युद्ध को जीतने की स्थिति में होंगे। वास्तव में जब एकादश भाव में सूर्य होता है तो आपकी कीर्ति और यश को देख करके आपके शत्रु उस कीर्ति की अग्नि ज्वाला में भस्म हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है, एकादश सूर्य का यह फल है। दूसरी बात, मंगल ग्रह भी मकर में आएगा लेकिन 5 फरवरी को आएगा, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आपके दशम भाव में 4 ग्रहों का अभी पंचायत लगने वाली है। इसी अमावस्या का जो शुभ प्रभाव है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। 16 जनवरी को धनु राशि में जब मंगल का उदय होगा, मीन राशि का जो भाग्य स्थान है वो मंगल है, और उस भाग्य स्थान का स्वामी जब उदय होगा तो आपका भाग्य भी उदय होगा। यानी कि मीन राशि वालों का जो भाग्य है उनके साथ साथ चलता है, जब ये उठ जाते हैं तो भाग्य उठता है, चल पड़ते हैं तो भाग्य चलने लगता है, क्योंकि मीन राशि चलने को कहते हैं, पैरों का निशान है वो, मीन लास्ट में आते हैं चरण। 18 जनवरी को शुक्र आपकी धनु राशि में होगा, यह आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव दशम भाव में अच्छा फल परिणाम देगा। 4 ग्रह वहां पर होंगे इस अभी आने वाले कुछ ही समय में, और 21 तारीख को पुत्रदा एकादशी के दिन आपके रोहिणी नक्षत्र में रविवार को चंद्रमा आपके लिए पराक्रम भाव में बैठ करके आपके भाग्य स्थान को देखेगा। ये कई प्रकार के सुख देने के लिए जाना जाता है। चंद्रमा की जब किरणें रश्मि कांति युक्त आपके भाग्य स्थान में होंगी तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा। 24 तारीख को सूर्य नक्षत्र का परिभ्रमण, नक्षत्र चेंज करेगा, कहां जाएगा, श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा मीन राशि का ज्ञान बुद्धि विवेक का स्वामी है, और बैठ करके आपके लाभ स्थान में आपकी बुद्धि ज्ञान विद्या को देख रहा है, संतान को देखता है, उनको अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करता है। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4 ग्रहों की पंचायत आपके लाभ स्थान में होंगी, ये मीन राशि के लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसी के साथ साथ
जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है मीन राशि वालों की, उनके लिए और भी अच्छा होगा। सूर्य की दशा चल रही है तो भी शुभ, चंद्र और मंगल की दशा चल रही है तो चारों तरफ से दरवाजे धन के आय के स्रोत खुले हुए हैं। निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में वो ग्रह कितना बलिष्ठ है, मजबूत है, पॉजिटिविटी देता है या नहीं दे रहा है। अस्त तो नहीं है, मार्गी तो नहीं है, रेट्रोग्रेड तो नहीं है। ये ट्रांजिट मोशन आपकी कुंडली के जो प्रभाव हैं, स्वभाव हैं ग्रहों के, उसका गोचर से घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए अब गोचर में जो चल रहे हैं ग्रह, उनका जो इम्पैक्ट है आपकी कुंडली में निर्धारित जो जन्म के समय ग्रह थे उनका अब कोरिलेशन करने के बाद ही रिजल्ट मिलता है। इसी को गोचर ग्रहों का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या पर आपके लिए समस्त सुखों का ढेर लगाने के लिए चार ग्रह आपके लाभ स्थान में होंगे। जो रुका हुआ पैसा, रुके हुए सुख आपके पेंडिंग थे, लिंगर ऑन चल रहा था, वो सब एकदम कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। खुशी का माहौल, मांगलिक कार्य तथा बहुत अच्छे अच्छे उपहार, गिफ्ट, कपड़े, मिठाई, पैसे खूब मिलेंगे आपको, सोना चांदी। इसी के साथ साथ 11 फरवरी को जब मकर राशि के साथ शुक्र का आगमन होगा तो शुक्र अपने लिए, अपने इस बात के लिए जाना जाता है कि शुक्र वैभव, धन, आभूषण, वस्त्र, सुख तथा अच्छी अच्छी चीज देने के लिए जाना जाता है, तो ये लाभ देगा। लेकिन जैसे ही ये सुख का समा समाप्त होगा, द्वादश भाव में चल रहे शनि के साथ सूर्य का सम्मिश्रण भी होगा। पुत्र और पिता दोनों कुंभ राशि, मीन राशि के द्वादश भाव में होंगे, तो अगले कुछ समय 20-25 दिन मीन राशि के लिए यात्राओं का योग बनेगा। विवाद, भागदौड़, झगड़े, कई प्रकार की समस्याएं रहेंगी, ऐसा ग्रह भी बता रहा है। तो मीन राशि के लिए अभी जो 7.5 का दौर है वो अपना प्रभाव दिखाता है। कुछ लोगों का इसमें सवाल ये होगा, आप तो अच्छा बता रहे हो, अच्छा भी सुनने को तैयार नहीं हो तो खराब चीज सुनते हो तो कष्ट होता है, लेकिन शुभ बातें भी सुननी चाहिए। यहां कंट्राडिक्शन की बात करने वाले जो कुछ भाई बहन, उनको संदेह होगा कि आपने तो बहुत अच्छा अच्छा बताया, लेकिन 12वें भाव में जो शनि की 7.5 चल रही है उसका इम्पैक्ट अलग है। ये टेम्परेरी कुछ समय के लिए जो सुख देने वाले ग्रह आए हैं इनका प्रभाव अलग होगा। इसीलिए जिन जिन बातों का परहेज आपको करना है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आवेश में आकर के कोई भी जल्दी कदम नहीं उठाना है, इसीलिए आपको सोच समझ करके अपने कार्यों का संपादन करना होगा। अगला समय आपके लिए शुभ होगा और बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पूरे वर्ष इस साल बनी रहेगी। दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मीन राशि। तो सभी मीन राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।